But real now. या तो पदार्थ वाले संज्ञा जिसको बोल सकते हो रवि वाचक, या तो क्या है पदार्थ वाले संज्ञा, ओके। अब ये क्या होता है बताएगा? कोई भी पदार्थ का नाम अगर आ जाए, कोई भी मटेरियल का नाम इसको बोलेंगे, कोई सब्सटेंस जिसको बोल सकते हैं अपने, पदार्थ होगा, द्रव्य होगा, ठीक है, और कोई इंग्रेडिएंट जिससे कोई चीज बनती हो उसी को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाते नहीं बनाते आगे ना, तो ये क्या हुआ? मटेरियल हुआ, सिल्वर, कॉपर, स्टील, लकड़ी, वुड जिसको कहेंगे आगे ना, ये सारे के सारे क्या है? मटेरियल है, सब्सटेंस है। दूसरा उसके पास में और कोई हो सकता है इसके सिवाय? पेपर, बुक्स बनती है इस पर लिखते हो, इससे बनती है, पेपर से बनती है, सीमेंट से बनता है आगे ना, यानी कि जिस किसी भी चीज से कुछ नई चीज का निर्माण किया जा सकता हो उस सब चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? मटेरियल कहेंगे। और इस प्रकार के मटेरियलों को जो भी नाम दिया जाएगा वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है? मटेरियल नाउन मतलब क्या होगा? ऐसे कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे कुछ नई वस्तु का निर्माण किया जा सकता हो, जिससे कोई दूसरी चीज की रचना की जा सकती हो, उसको क्या कहेंगे हम? मटेरियल नाउन, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो देखना है। मटेरियल नाउन रिफर्स टू ऑल सच मटेरियल्स, ऑल सच मटेरियल्स, सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट्स which can be used to make other things। ऐसा कोई भी पदार्थ, मटेरियल, सब्सटेंस या फिर इंग्रेडिएंट्स जिससे किसी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता हो उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी बताए थे, कोई भी धातु है वो सब की सब क्या है? मटेरियल नाउन के अंदर आती है। कौन कौन सी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, वाटर, प्लास्टिक, सीमेंट, वुड और पेपर। और भी कोई है ऐसे? आयरन, यस, दिस इज मेड ऑफ आयरन, यस और नो? यानी कि जिससे कुछ नई चीज बनाई जा सकती है। रबर, ठीक है? तो सारी चीजें वो क्या मटेरियल नाउन पे ही आएंगी। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड, सीमेंट, आयरन और भी कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। जिस चीज का कुछ नया बनता है, वाटर, पानी से बहुत सारी चीज बनती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज हो सकती है, बहुत सारे पदार्थ बन गया है कि नहीं, जिनके मिश्रण से कुछ ना कुछ नया बनता है। साइंस के अंदर तुम लोगों ने सब पढ़ा होगा, ये तो पढ़ेंगे आगे, जो नाइन्थ में है उन लोगों ने तो पढ़ लिया होगा मिश्रण यौगिक, कुछ ना कुछ अलग अलग पदार्थों को मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर उन्होंने 110 तत्व अभी तक पहुंची हुई है,
वैज्ञानिकों ने 110 तत्वों को पहचाना है और वो 110 के 10 तत्व क्या है, मटेरियल नाउन है। साइंस की बात करें तो ठीक है, पता चल जाएगा। अब आगे एग्जांपल सेंटेंस, सेंटेंस के संख्या जो कैसे किया जा रहा है। सबसे पहला एक सेंटेंस अपने पास, वाटर इज द एक्सिलेटर ऑफ लाइफ, वाटर इज द एक्सिलेटर ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिलेटर? वाटर तो हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, बट ये एक्सिलेटर मतलब क्या होता है, अमृत। पानी मिल रहा है ना, ये भी एक हमारे लिए अमृत के समान है, क्योंकि हमारा जीवन पानी पर टिका हुआ है, है कि नहीं? बॉडी का 70% हिस्सा क्या है, वाटर है। तो समझ लो कि ये क्या है, एक्सिलेटर ऑफ लाइफ है। तो ये हमारे लिए क्या ध्यान में रखना है, वाटर एक मटेरियल नाउन है। अब नेक्स्ट दिस बॉटल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक या कॉपर। ये बोतल है अपने पास, कोई बोतल की एग्जांपल लिया जाए तो ये बोतल है प्लास्टिक की बनी हुई है, या फिर कॉपर की होती तो कॉपर की बनी हुई है, या फिर कोई मेटल की बनी होती तो मेटल की बनी हुई है। तो ये जो भी होगा अपने क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन, पदार्थ एक प्लास्टिक, उस प्लास्टिक से ये बोतल बनी हुई है। तो जिस चीज से कुछ नई चीज का निर्माण हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है, बोतल बन रही है। कॉपर मतलब होता है तांबा, सॉरी बोतल नहीं, बोतल तो बहुत सारी आ गई, बोतल कॉमन नाउन आ गया, बोतल तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो जाएगा। बट मटेरियल क्या, बोतल किसकी बनी है, कोई चीज जिस चीज की बनती है वो चीज मटेरियल नाउन होगी। जो नई चीज का निर्माण होगा वो तो क्या होगी, या तो कॉमन नाउन होगी या प्रॉपर नाउन होगी, डिपेंड करता है। अब मैं कोई कार की या एक्टिवा की बात करता हूँ, दिस कार इज मेड अप, द बॉडी ऑफ दिस कार इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक या फाइबर, या फिर और भी कोई मेटल की जो भी है, मेटल की बनी होती है वो लिख सकते हैं। तो लिखते चलो, द बॉडी ऑफ दिस कार इज मेड अप ऑफ मेटल। कार की बॉडी मेटल की है, या फिर लिख सकते हो फाइबर, कोई भी लिखो एग्जांपल के लिए। तो दोनों के दोनों ही है, मेटल भी एक मटेरियल नाउन है और फाइबर, और फाइबर भी क्या है, मटेरियल नाउन होगा। ठीक है सर? यस, फाइबर मतलब प्लास्टिक का सुग्रा स्वरूप है, जो पक्का होता है, जल्दी से टूटता नहीं है, इस तरह का स्वरूप होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइबर। फाइबर के जो ग्लासेस बनते हैं, ये भी अभी तो पहले तो किसके बनते थे, ग्लास के बनते थे, कांच के बनते थे, लेकिन अभी किसके होने लगे, फाइबर ही ज्यादा चल रहे हैं मार्केट के अंदर। जैसे अगर चश्मा नीचे गिर भी जाए तो तुम्हारा टूटता नहीं है चश्मा, तो ये क्या है, ग्लासेस और फाइबर। ग्लासेस मतलब कांच का ग्लास भी मटेरियल है, वो ग्लास पीने वाला ग्लास नहीं, ग्लास का कांच। पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, पेंसिल की नोक बनी होती है आनी, जिसको बोलते हो, किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट एक मटेरियल है, ग्रेफाइट क्या है, मटेरियल, तो मटेरियल नाउन उसको बोला जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, साइंस में मैंने पहले बोला 110 सभी तत्व है, जो तुम लोग क्या बोल सकते हो, मटेरियल नाउन बोल सकते हो, 110। आगे की बात करते हैं सर, ये मटेरियल के नीचे क्या लिखा है, फाइबर, 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 FIBR। बाद में चर्चा करूंगा, अगर खाली मेड ऑफ लिखोगे तो भी चलेगा, इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में। ये लिखो, ऐसा करो बस।
बेटों की होगी उनको भी आता रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का इसी के अंदर लिखाओ इग्लू इज मेड ऑफ आइस, बर्फ का घर जिसको बोलते हैं हम इग्लू। तो यहाँ क्या है आइस से बन रहा है, क्या होगा आइस क्या है मटेरियल नाउन है, क्या है आइस मटेरियल नाउन है ठीक है। और इग्लू क्या है कॉमन नाउन, बर्फ के जितने भी घर होते हैं सब आ गए उसके अंदर इग्लू, घर का एक प्रकार। उसके बाद में दिस बिल्डिंग इज या दिस हाउस इज ये घर लकड़ी का है। फॉरेन के अंदर मौसम के बने होते हैं, जहाँ बर्फ वाली होते हैं वहाँ पर घर कैसे होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, वुड ठीक है, वुड यानी लकड़ी। ये भी क्या एक मटेरियल नाउन है, आया समझ में आवश्यक नाउन। और सामने क्या है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि कोई वस्तु पदार्थ जिससे कुछ नई चीज का निर्माण किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे हम, क्लियर है। रेड वाला ना ओके। तो मटेरियल नाउन हमने देख ली, अब मटेरियल नाउन को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया जा सकता है, मटेरियल नाउन है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। तो वो ग्रुप कौन कौन से है, तो सबसे पहले तो नेचुरल, ऐसी कोई चीजें होती है जो हमको कहाँ से मिलती है प्रकृति से मिलती है नेचर से मिलती है उनको क्या बोलेंगे मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, क्या बोलेंगे मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर। मटेरियल नाउन फ्रॉम नेचर, सर एक बाकी है ना हमारा। देन मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, हमारा एक बाकी है ना सर वो वाचिक का है, ये अभी मटेरियल का ही चल रहा है, उसके बाद हम समूहवाचक कलेक्टिव नाउन पर आएंगे। ये तो अभी कौन सा मटेरियल ही चालू है, कंटिन्यू है वो भी अंतिम इसके टॉपिक वही। यस अभी लिखना नहीं है इनके अंदर, मैं लिखा रहा हूँ अंदर एग्जांपल्स आएंगे। मटेरियल नाउन फ्रॉम प्लांट्स, उसके बाद में मटेरियल नाउन फ्रॉम एनिमल्स, और द लास्ट वन इज देयर प्लीज ऑन टॉप मटेरियल नाउन मैन मेड, मैन मेड यानी कि इंसान ने बनाई है कुछ ऐसी चीजें, बस वही साइंस है बाकी सब प्रकृति है। मैन मेड मटेरियल नाउन ठीक है। नाउ लिसन, नेचर की बात करते तो हमने वाटर की बात की थी, कहाँ से मिलता है नेचर ठीक है, कहीं और से तो निकलता नहीं है, बस रेन वाटर ऊपर से नीचे ये पूरी साइकिल चलती थी, साइंस में पढ़ा होगा उसके बारे में। वाटर है, हम जो भी हवा खा रहे हैं मोहब्बत की एयर, ये भी वही है, सूर्य का प्रकाश फ्री में मिल रहा है, ये हमारी प्रकृति माता ने दिया हमको ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट सनलाइट। और हम यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो भी कैसा है नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है ओके सनलाइट रेन और अर्थ सैंड वुड, अर्थ सैंड वुड तो प्लांट से मिल जाएगा क्योंकि लकड़ी कहाँ से मिलेगी हमको पेड़ में से ही मिलेगी ठीक है। उसके बाद में रॉक गोल्ड,
सोना, लौंग यानी चट्टाने, पत्थर हमको मिलता है। पत्थर कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है ना। कोई पत्थर बनाया तो नहीं जाता अलग से? नहीं, ये सारी चीजें हमको प्रकृति से मिलती है। और भी कोई चीजें है? और मेटल्स जमीन में से खुद को निकलती है, तांबा, सोना, चांदी, पीतल, जस्ता, टिन, आयरन। उसके बाद में ग्रेनाइट, पत्थर का नाम है। ओके, उसके बाद में स्नो, ये क्या होता है? बर्फ। ठीक है, उसके बाद में और भी कोई है? आइस तो पानी से बना सकते हैं। ऊपर वाटर आ गया, वाटर के साथ में उसके तीन स्वरूप है, दो स्वरूप और दूसरा कौन सा है? गैस स्वरूप। वो सब चीजें बदल बदल के अपना नाम बदल सकते हैं। तो वाटर आ गया, मतलब सब कुछ आ गया उसका। डायमंड मेटल में आ गया। और भी कोई है? कोयला, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी हो सकते हैं। आया समझ में? ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं, या तो जमीन में से या तो आसमान से। दोनों ही प्रकृति की चीजें हैं। अब बात करते हैं किसकी? प्लांट से क्या क्या मिलता है? तो प्लांट से सबसे पहले तो अपने को वुड मिलता है। कोल, कोल मीन्स कोयला। ठीक है, वुड, लकड़ी, कॉटन, कॉटन यानी पता चल गया होगा, रुई। रुई से हमारे कपड़े रेडी होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसके बाद में फूड, खाना, खाने की जितनी भी चीजें हैं सब के सब कहाँ से मिलती है? प्लांट पे ही उगती है, हमारे पे उगती नहीं होती है। और उनमें से हमारी चीज रोटी बनती है, कहाँ से क्या आता है? पेड़ों में से होता है ना? पेड़ों पर उगती है। उसके बाद में उसको निकाला जाता है, फिर उसको पीस कर ऑयल निकाल दिया जाता है। ऐसे ही सोयाबीन, कोई भी फ्लावर का भी ऑयल होता है, वो भी क्या होता है? फ्लावर बीन, प्लांट पर लगते हैं ना। तो दैट इज फूड, फूड, कॉटन, ऑयल, और भी कोई चीज है? रबर। ओके, रबर कहाँ से मिलता है? रबर थोड़ी ऐसा है, रबर पेड़ से निकलता है। रबर का पूरा एक यूकेलिप्टस नाम का पेड़ होता है, उसके अंदर से बाजरा कर थोड़ा थोड़ा एक रस जैसा निकलता है, उसमें से रबर बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में टी, कॉफी, चाय पेड़ पर उगती है। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, बताया हुआ था। कॉफी ब्राजील की कॉफी, कॉफी की जो अंदर कॉफी बीन होते हैं, एक्चुअली ये क्या होते हैं? कॉफी बीन होते हैं। कॉफी बीन से फिर कॉफी बनाई जाती है, कॉफी पाउडर जिसको बोलते हैं। कॉफी पाउडर से फिर कॉफी बनती है। हाँ सर, पहले क्या होते हैं? कॉफी बीन होते हैं, कॉफी बीन से कॉफी पाउडर होता है, कॉफी पाउडर के पास में कॉफी बनकर हमारे पास में आती है। ठीक है, फिर तुम लोग उसको 60-70 रुपए का पीते हो। अब ये क्या होता है? सेरेल्स दलहन, पल्स होती है, सेरेल्स होते हैं। ठीक है, पेपर, ये जो जितने भी पेपर यूज कर रहे हैं अपने, ये सब कहाँ से आता है? पेड़ों से। ठीक है, पेड़ों को काट काट के पेपरों को रेडी किया जाता है, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार के पेड़ होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में मेडिसिन, 90% ऑफ मेडिसिन कहाँ से मिलती है हमको? या तो पेड़ में से कुछ चीजें मिलती है, उनको उसमें कन्वर्ट किया जाता है, मेडिसिन। और कोई वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ओके, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जूट, पटसन, बस सो ऑन। आगे ये सारी जूट, हमारे जो बोरी होती है, बोरी जूट की बनी होती है। देखिए हम लोगों ने बोरी कभी तालाब में, रस्सी, ये सब जूट से बनती है। ओके, जूट और पटसन दो है। चले आगे, रस्सी, रस्सी बोल रहा हूँ, जूट और पटसन से बनती है वो। अब आगे
एनिमल से क्या क्या मिलता है, तो देखो मिल्क बोल रहे थे, ये मिल्क कहाँ से होता है, एनिमल से हमको मिलता है, ठीक है, मिल्क। देखो दही तो बिना फिर मिल्क से बनाया जाता है, एनिमल से डायरेक्टली दही नहीं मिलता, कोई ऐसा एनिमल नहीं जो हमको दही दे, लेकिन हम दही कहाँ से बनाते हैं, इस एनिमल से दिए हुए मिल्क से हम क्या जमा सकते हैं, दही, ठीक है। उसके बाद में वूल, ऊन हमको कहाँ से मिलती है, भेड़, भेड़ को पाला जाता है, उसके ऊपर के जो बाल कन्वर्ट किया जाता है वूल में, ठीक है। उसके बाद में सिल्क, सिल्क की साड़ी पहनती है लेडीज, यस सिल्क, लेदर, लेदर की कहाँ से मिलता, चमड़ा, खाल से, जानवरों की खाल निकाल निकाल कर उसे हमको बनाए जाते हैं। उसके बाद में एग, ठीक है, एग भी कहाँ से मिलता है, हनी, शहद जिसको बोलते हैं, मधुमक्खी से शहद मिलता है, नहीं मिलता, ये भी क्या है, एनिमल आ गए। मीट, मांस, मिलता है, नहीं मिलता। उसके बाद में आइवरी, हाथी का दांत, आइवरी, पुराने जमाने के लोग झिंगा लाला हो करने वाले वो लोग क्या करते थे, अपने गहने आइवरी से ही बनाते थे, यानी हाथी दांत के गहने ही पहनते थे, बीच में बड़ा सा हाथी का दांत, बाजू में छोटी छोटी शीप और मोती होते हैं, वो जो हमको कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनके बोलते थे शंख जिसको बोलते लटकाते थे अपने गले में, उनका आभूषण यही हुआ करते थे, पहले सोना चांदी का आभूषण नहीं होते थे, पहले इस प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। कहा भी जाता है कि मरा हाथी 1.25 लाख का और जिंदा हाथी 1 लाख का, ऐसा पहले के जमाने की कहावत है, मरने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जिंदे जीते जी तो उसके कोई दांतों को तोड़ सकता है।